भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुटी है। नया मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करने के लिए अभियान की शुरुआत कर दी गई है। नए मतदाताओं को पार्टी की रीति नीति के बारे में जागरूक करने के लिए भाजपा वोटर चेतना अभियान संचालित करेगी। अभियान के बारे में पार्टी पदाधिकारी को प्रशिक्षण देने के लिए बुधवार को बुद्धि विहार स्थित भाजपा कार्यालय पर जिला कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें महानगर प्रभारी वाईपी सिंह ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को अभियान की बारीकी को समझाया। मुख्य वक्ता ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि देश की सभ्यता, सनातन संस्कृति और सुरक्षित भविष्य के लिए 2024 में भाजपा की विजय और नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए पार्टी की रणनीति के अनुसार पहली प्राथमिकता मतदाता सूची पर है और 29 अक्टूबर से भाजपा पूरे प्रदेश में एक साथ वोटर चेतना महाअभियान की शुरुआत करने वाली है। इसका सबसे पहला लक्ष्य 1 जनवरी 2024 तक 18 साल की उम्र में पूरी कर चुके लोगों का वोटर पहचान पत्र बनवाना है। वोटर लिस्ट में उसका नाम हो, युवा और महिला मतदाताओं को लेकर गंभीर रूप से करना। इस हेतु युवा मोर्चा, महिला मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है। ये जिम्मेदारी पार्टी कार्यकर्ताओं को दी जा रही है। वोटर चेतना अभियान कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष आकाश कुमार पाल ने कहा कि पार्टी द्वारा सभी विधानसभाओं में कम से कम 10,000 नए मतदाता बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसे पार्टी के मुरादाबाद के कार्यकर्ताओं के सहयोग से शत प्रतिशत पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 19 और 20 अक्टूबर को सभी मंडलों में कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें सबसे पहले पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रत्येक बूथ पर 29 अगस्त मन की बात के साथ मतदाता सूची का वाचन कराना है, इसकी योजना के बारे में बताना है। वोटर चेतना अभियान कार्यशाला में जिला सरकारी बैंक चेयरमैन चौधरी विजय भान सिंह, निवर्तमान जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, लोकसभा प्रभारी अशोक पाल, लोकसभा संयोजक डॉ. विशेष गुप्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष ठाकुर राकेश सिंह, सुरेश सैनी, वोटर चेतना अभियान संयोजक और जिला महामंत्री राजन विश्नोई, कमल प्रजापति, हरज्ञान सिंह, चंद्रपाल सैनी, जिला मीडिया प्रभारी संजय ढाका, चौधरी हुक्म सिंह, आचार्य नरेंद्र राजू कालरा, अरुण पंडित, जोगेश्वर अरोड़ा, जितेंद्र सिंह, सुमन आदेश चौधरी, चैके चौधरी, डॉक्टर नवदीप यादव, लवली यादव, देवराज सिंह जाटव, अनूप सिंह जाटव, मयूर भाटिया, 16 मंडलों के अध्यक्ष साथ ही मंडल प्रभारी मौजूद थे। अलग से वार्ता करके यानी सब लोग एक छोटे समूह में भी बैठ लो और इस पूरी योजना को जो इंप्लीमेंट करना है इसकी डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग करो। एक कॉल सेंटर भी राजनीति बनाओ जो हमारी आईटी सोशल मीडिया का, ठीक है, और उसमें बूथ बांट दो उनको। मान लीजिए आपके जिले में कितने बूथ हैं, 1600 है, गठित कितने हैं, 15, और मान लीजिए आपने अगर 10 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिए, 2-4 घंटे जो दे सके, तो 150 बूथ एक पर आते हैं। तो ऐसे 150 बूथों की मॉनिटरिंग का भी एक सिस्टम लगा दो, जिससे कि थोड़ा पैसा रहेगा, काम आगे बढ़ेगा। इसी तरह जिला स्तर पर बीएलओ की सूची में जिला निर्वाचन कार्यालय में जो जमा करनी थी वो हो गई क्या, अभी ले रहे मंडलों से आ गई है, दो मंडल रह गए, एक सस्ती कट ऑफ पे मुझे भी बताओ कि भाई हम इस दिन जमा करें। और जो बीएलओ की लेटर सूची है वो भी उनसे ले लीजिए, जिससे बीएलओ और बीएलए दोनों मिक्स हो जाए। हमारी तरफ से जो रखा जाता है वो बीएलए रखा जाता है, निर्वाचन आयोग बीएलओ 2 रखता है, दोनों मिलकर वोट बढ़वाने का काम करते हैं। तो ऐसा करके इसको थोड़ा ठीक से हमको समय से करना चाहिए। इसी तरह मंडल की कार्यशाला के बारे में चर्चा हुई है, कल मंडल के साथ कार्यशाला हो रही है, उसमें जो अपेक्षित कार्यकर्ता है मंडल की कार्यशाला में, मेरे सारे विधानसभा के प्रमुख लिख लें, मंडल का प्रभारी अपेक्षित है, विधानसभा मतदाता सूची प्रमुख आप लोग हैं, सह प्रमुख भी रहेंगे, मंडल अध्यक्ष रहेंगे, पूर्व मंडल अध्यक्ष रहेंगे, इसमें निवर्तमान नहीं लिखा है, अगर पूर्व मंडल अध्यक्ष में 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, सबको बुलाइए, मंडल के सारे पदाधिकारी रहेंगे, मंडल के मतदाता सूची प्रमुख रहेंगे, मंडल के मतदाता सूची के सह प्रमुख रहेंगे, शक्ति केंद्र के प्रभारी रहेंगे।